जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं आपको ऐसा एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको अगर फोर आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना है, शोल्डर को, अगर आपको शोल्डर पेन है या आर्म में आपको पेन होता है, दुखता है अगर ये जगह, तो आपके लिए सबसे इजी एक्सरसाइज है ये। आपको पता है धोबी घाट में आपने देखा होगा लोग कैसे आपके घर पे भी, अगर आपके वॉशिंग मशीन आप ज्यादा यूज नहीं करते होंगे तो घर पे भी निचोड़ निचोड़ के, तो यही सेम एक्सरसाइज है आपको करना है। ये इतनी सिंपल सी एक्सरसाइज है जो हम करते नहीं है। तो देखिए कोई भी ऐसा क्लॉथ कपड़ा ले लो, उसे ऐसा फोल्ड कर दो। इसे फोल्ड करने के बाद हमें ये हाथ ऊपर, ये हाथ नीचे, ये राइट आर्म के लिए इस तरीके से इसे निचोड़ना है। पहले लेवल पे इस पे पानी का यूज नहीं करेंगे, स्लोली स्लोली करना है। इतना जो मैं जोर लगा रहा हूं वैसे जोर मत लगाइए, धीरे धीरे करिए, फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ जोर लगाना शुरू करिए। इसे कितना देर करना है, एक एक मिनट का दो सेट मारिए, एक मिनट का ये हाथ, एक मिनट का ये हाथ। अभी दूसरा हाथ कैसे करना है वो बता दो, ये हाथ ऊपर वो हाथ नीचे, और ऐसे ही आपको निचोड़ना है दोनों दोनों हाथों से निचोड़ते जाइए। तो ये एक मिनट, ये एक मिनट, धीरे धीरे करते करते आप दो मिनट करिए, दो मिनट का एक सेट, दो मिनट का एक सेट, दो मिनट का एक सेट, ऐसा दो सेट मारिए दो दो मिनट के। तो आपको ये सिंपल सा एक्सरसाइज करना है, इससे आपके जो भी पेन है, आपको अगर टेनिस एल्बो का पेन है, जो मुझे बहुत है क्योंकि मैं करता हूँ जैवलिन, तो थ्रोइंग में होता रहता है, तो मुझे ये हो चुका है, मुझे गोल्फर एल्बो भी हो चुके हैं, तो मैंने गोल्फर एल्बो भी यही कर करके ठीक की है। तो इसलिए जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ और जिसके मुझे रिजल्ट्स मिले हैं वही मैं आपको बताऊंगा। ये इतनी सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है जो आप हमें पता हो कि भी हम करते नहीं है। तो ये देखिए, ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताया ये करना है, ये फर्स्ट स्टेप है इसका। इसका नेक्स्ट स्टेप डिफिकल्ट वाला है, वो हम आगे आपको बताएंगे वीडियो में। दोस्तों मैं आपको सेकेंड स्टेप बताता हूँ, ये थोड़ा हार्ड है। फर्स्ट लेवल जो था वो इजी था। ये मैंने वही कपड़े को अभी पानी में डाल दिया, अब इसका वजन बहुत बढ़ चुका है। अभी हमें क्या करना है, वही स्टेप को वापस फॉलो करना है। अब ये वजन इसका बढ़ चुका है, तो अभी आपको इसे इस तरीके से निचोड़ना है, इसे निचोड़ते जाइए। इसका भी एक मिनट लगा लीजिए टाइमिंग। ये एक्सरसाइज ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, एक मिनट के दो सेट मारेंगे काम बन जाता है आपका। हफ्ते में हर रोज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मैं आपको 3 से 4 दिन ही करने को बोलूंगा, एक दिन छोड़िए और करिए ऐसा। देख रहे कितना हार्ड हो रहा है ये एक्सरसाइज। पानी खत्म, वापस डालो, वापस निकालो, जब तक निचोड़ना जाए करते रहो। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको ऐसी अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज बताते रहूंगा क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ, 5 साल से जैवलिन थ्रो कर रहा हूँ, तो जैवलिन थ्रो की वजह से मुझे कई सारे पेन इंजरीज होते रहते हैं। और फिर मैं कॉमन लाइफ, जो कॉमन मैन का लाइफ है, जैसे स्पोर्ट्स छोड़ के दूसरी चीजें, उसमें कैसे मुझे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कैसे उससे प्रिवेंट करना है, कैसे उस इंजरी से बाहर आना है। आपको यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े, इतना मैं आपको बता दूंगा क्योंकि मैं खुद प्रिवेंट मतलब इतने सारी चीज़ें कर लेता हूँ जिससे मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। ऑपरेशन ऑपरेशन की आपको बिल्कुल भी बात ना है, इसलिए आप ये सब एक्सरसाइज देख। दोस्तों ऐसी एक्सरसाइजेस बताते जाऊंगा कि आपको कैसे इंजरी से प्रिवेंट करना है, इंजरी को आने, अगर आपको इंजरी हो भी है, देखो आप सब इंजरीज को रोक नहीं सकते, तो आपको इंजरी आई है तो उसे कैसे जल्दी ठीक हो और कैसे अपने वर्कआउट पे वापस से लग जाए, कि ज़्यादा छुट्टी करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वर्कआउट पीछे हो जाएगा, आप ही डिले हो जाओगे। तो ऐसे ऐसे एक्सरसाइज में आपको लाते रहूंगा। और आपको जो कॉमन मैन की लाइफ है, मतलब सब एथलीट्स नहीं है तो उनको भी कुछ ना कुछ पेन होता है, आर्म का, लेग्स का, कमर का, तो मैं आपको ऐसे ऐसे इजी इजी एक्सरसाइज बताते रहूंगा। तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और आगे आपको जैसी ऐसी वीडियोस चाहिए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आपसे मिलेंगे हम बाद में। जय हिंद, जय श्री राम।